आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एसएन मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक आगरा और अमेरिकन इंस्टीट्यूट के साझा प्रयासों से संजय प्लेस स्थित अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज संस्थान में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिकन इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में रक्तदान कर अन्य लोगों से भी रक्तदान करने की अपील की। रक्तदान महादान जीवन दान माना गया है। पिछले 8 सालों से शहर की जानी मानी शिक्षण संस्था अमेरिकन इंस्टीट्यूट के प्रयासों से हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन होता आ रहा है। हर साल की भांति इस साल भी अमेरिकन इंस्टीट्यूट और एसएन मेडिकल कॉलेज के साझा प्रयासों से संजय प्लेस स्थित शाखा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें अमेरिकन इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज हमारा ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट की तरफ से कैंप लगवाया गया है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे डोनेशन हो रहे हैं। पहले भी होते रहे, पहले तो अराउंड 80 के करीब डोनेशन होते रहते, पर इस बार भी उम्मीद है कि अराउंड 50 तक पहुँच जाएगा। और ये ब्लड डोनेशन, रक्तदान करने की जो आदत है ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम हर किसी को साल में एक बार रक्तदान करना चाहिए। बता दें कि रक्तदान शिविर के दौरान अमेरिकन इंस्टीट्यूट के 30 से अधिक छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया, तो वहीं एसएन मेडिकल कॉलेज के 8 सदस्यीय टीम ने शिविर में मौजूद रक्तदान के इच्छुक छात्र छात्राओं की स्कैनिंग कर सभी औपचारिकताओं को पूरा किया। पहले सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, वेट लिया जाता है और बाकी बैक हिस्ट्री पूछी जाती है, हीमोग्लोबिन देखा जाता है और फिट वेट, और उसके बाद में ब्लड कलेक्शन होने के बाद में हम लोग अपनी स्क्रीनिंग कराते हैं। 350 ml होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल थोड़ा सा वो होता है कि ब्लड देने से मुझे क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ब्लड होता है, तो हाँ सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, बाद में डोनर कार्ड भी दिए जाएंगे, उसके अगेंस्ट में वो 3 महीने के अंदर ब्लड भी ले सकते हैं, अपने किसी परिवारजन को दिलवा सकते हैं। इस दौरान एसएन मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों ने बताया कि रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं होता, साथ ही व्यक्ति पहले से और स्वस्थ हो जाता है। तो वहीं इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रदीप तोमर अपने छात्रों के इस कार्य से काफी उत्साहित दिखे। उनका कहना है कि विगत वर्षों में कैंप के दौरान रक्तदान करने वाले छात्रों की संख्या 80 के पार तक पहुँच जाती है। ये हम लोग लगातार 8वें वर्ष ऐसा कर रहे हैं। पिछले 7 वर्षों से हम लोग ब्लड डोनेशन करवाते आए हैं वार्षिक तौर पे। इस बार कोविड के चलते हम लोग मई जून में ब्लड डोनेशन कराते थे, जो नहीं हो पाया, तो दिसंबर समाप्त होने से पहले इसलिए हमने दिसंबर में ऑर्गेनाइज़ किया कि कम से कम 2020 खाली नहीं जाना चाहिए। बीमारियां आती जाती रहेंगी, लोगों को अच्छे काम करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और बचना नहीं चाहिए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट में ये ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज़ कराने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है, जिससे युवा वर्ग जागरूक हो सके और इस तरह के कार्यों को करने के लिए आगे बढ़े। बहुत सारे बच्चों में डर होता है, भ्रांतियाँ होती हैं कि कमज़ोरी हो जाती है, ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, बाद में परेशानियां होती हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जब भी कभी कोई ब्लड डोनेशन होता है तो अधिकांश डोनर्स फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, जो पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो बच्चे निरंतर वर्षों तक हमेशा ब्लड डोनेट करते रहते हैं। बता दें कि कुछ समय से एसएन मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक भी रक्त यूनिट की कमी से जूझ रही थी। हाल ही में नेगेटिव ब्लड की संख्या भी काफी घट गई थी। ऐसे में ये रक्तदान शिविर एसएम ब्लड बैंक को बड़ी राहत देने का काम करेगा। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।